हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 8 अक्टूबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाटा मोटर्स में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन जो है टाटा मोटर्स 12.0% का यहाँ पे जो आपको पॉजिटिव देखने मिला और साथ ही साथ यहाँ पे आज के दिन जो है इसने अपना न्यू 52 वीक रेंज भी जो है वो बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेज रेंज जो है वो है 383, तो यहाँ पे 52 वीक रेंज है वो है 383। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 376.50, मतलब अपने 52 वीक रेंज से जो बहुत ही क्लोज में यहाँ पे जो क्लोजिंग है, मैं कहूँगा यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये क्लोजिंग है और यहाँ पे जो है एक स्टॉक को जो है ये क्लोजिंग जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बता दी और यहाँ पे आपको बता रही कि ये स्टॉक जो है बहुत ही ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है और यहाँ पे अभी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग हेल्ड कर रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कल स्टॉक में क्या होने वाला है और आने वाले दिनों में, अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे हमारे वन डे के चार्ट पे। बाकी यहाँ पे आपको जो है ज़रूर इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले होती है यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन, उसको भी जो है ज़रूर हम जो है मार्क करके बताएंगे, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी आपको बताएंगे और यहाँ पे एंड में हमारा क्या ओपिनियन बनता है इस स्टॉक में ऑन द फेस ऑफ इट आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए और आने वाले दिनों का जो एक छोटा सा हिंट भी आपको दे देंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाटा मोटर्स में आज के दिन यहाँ पे वन डे के चार्ट में क्या देखने मिला। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बात करूँ वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आज के दिन देखने मिला, बहुत ही हाई वॉल्यूम देखने मिला। आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम जो है कितना ज़्यादा आज के दिन जो वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कैंडल की, कैंडल यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल यहाँ पे बनी है आज के दिन, यहाँ पे बहुत ही बड़ी कैंडल बनी है। याद रखें हम हमेशा बात करते हैं कि एक बड़ी कैंडल के बाद ज़रूर जो है एक छोटी कैंडल यहाँ पे बनती है, तो क्या ऐसा हो सकता है उसके लिए हम ज़रूर अपने वन आर के चार्ट में बात करेंगे। लेकिन अगर बात करूँ मैं इस स्टॉक की तो यहाँ पे आप ज़रूर ध्यान दें, यहाँ पे ये स्टॉक जो आपको 400 के लेवल तक जाते हुए देखना मिल सकता है। इवन तो यहाँ पे आज के दिन जो बड़ा अच्छा मोमेंट आया है, आपको आने वाले दिनों में भी जो है ज़रूर जो है ऐसा बड़ा मोमेंट आपको देखने मिल सकता है। इवन 400 भी यहाँ पे आपको क्रॉस होते हुए 450 मुझे लग रहा है ये मंथ तक ज़रूर जो है ये स्टॉक चले जाएगा। बाकी अगर हम बात करें RSI की, RSI यहाँ पे 78-79 के आसपास जो आ चुका है। याद रखें यहाँ पे अब जो है कंसोलिडेशन का एक इशारा देता है, लेकिन याद रखें RSI जो है हमें इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेटर हमें कभी भी इंडिकेशन दे, अगर यहाँ पे डाउन साइड की अगर आप लॉन्ग के लिए जा रहे हो तो ज़रूर मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो आपको जो है कम से कम क्वांटिटी में यहाँ पे जो है अपना एक ट्रेड लेना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ज़रूर ट्रेड को अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हो जाता है, अगर यहाँ पे जो अगर आप लॉन्ग के लिए जा रहे हो और यहाँ पे इंडिकेशन जो शॉर्ट के लिए जाता है तब। बाकी यहाँ पे जो है हम जो है इंडिकेटर्स पे अपने पूरा भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, तो यहाँ पे हमें जो है ज़रूर उसको भी जो कंसिडर करना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के भी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोज़ मतलब 4 स्टॉक्स से जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे आप सभी के सामने जो है उस स्टॉक में क्या होने वाला है आने वाले दिनों में और साथ ही साथ यहाँ पे जो है नेक्स्ट डे के लिए जो हमारा क्या ओपिनियन बनता है उस स्टॉक में आपको जो है ज़रूर यहाँ पे बताते हैं। याद रखें यहाँ पे हम जो है आपको कोई भी ट्रेडिंग कॉस्ट मतलब आपको बाय करना है या फिर सेल करना है नहीं बताते, वो डिसीजन जो आपका है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है आपको अपना एक रिसर्च करके जो है यहाँ पे अपना एक डिसीजन बनाना होता है कि आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। यहाँ पे हम जो है अपना ओपिनियन देते हैं कि हमें क्या लग रहा है चार्ट के बेसिस पे इस स्टॉक में क्या होने वाला है। याद रखें यहाँ पे हम जो कोई भी न्यूज़ के बेसिस पे यहाँ पे बिल्कुल भी जो है आपको जो है यहाँ पे नहीं बताते। याद रखें हम जो जब खुद ट्रेड करते हैं हम तब यहाँ पे जो भी किसी भी जो है स्टॉक में यहाँ पे कोई न्यूज़ आ रही हो या फिर कोई जो है अनाउंसमेंट हुई है या फिर अनाउंसमेंट होने वाली है उसकी न्यूज़ आई है तो यहाँ पे जो हम उस स्टॉक को जो बिल्कुल इग्नोर करते थे, यहाँ पे उस स्टॉक पे हम जो है ट्रेड करते जिस स्टॉक में जो है वहाँ पे उस दिन जो है बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी जो है न्यूज़ नहीं है, कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं होने वाला है, तो उस स्टॉक में जो हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं कि उस स्टॉक में जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है आपकी बढ़ती रहती है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चार्ट एनालाइज जो है आपको बता देगा कि ये स्टॉक जो है किस साइड पे जो मूव करेगा। चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बात करते हैं हमेशा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन की, टाटा मोटर्स में जो हम आपको मार्क करके यहाँ पे
दे देते हैं। तो याद रखें आप जो है यहाँ पे जिस तरह से हम जो है मार्किंग कर रहे हैं, सेम टू सेम यहाँ पे जो है आप अपने चार्ट में ज़रूर जो है मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियो को जो है पॉज करके यहाँ पे अपने चार्ट में जो है ज़रूर जो है मार्क कर ले, अगर आपको यहाँ पे जो है हमारा जो है एनालाइज पसंद आता है। तो याद रखें हमने जो एनालाइज का जो है हमारा वीडियोज़ जो है हम नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक्स जो है कुछ यहाँ पे जो है मेंशन की है, इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने चार पांच जो है यहाँ पे बुक्स जो है मेंशन किए जो ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही बढ़िया बुक्स है। अगर आप चाहे तो उसको जो है ज़रूर बाय करके रीड कर सकते हैं, आपका जो है नॉलेज जो है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में जो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आप अच्छे से अच्छा जितना ज़्यादा लर्न करोगे, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ जितना ज़्यादा लर्न करोगे उतना ज़्यादा जो आप अर्न कर पाओगे। तो मैं कहूँगा ज़रूर जो है बुक्स को जो है चेकआउट कर ले। और अगर आपको जो है किसी भी यहाँ पे जो है मैंने अलग अलग टाइप के जो बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो है आप जो अच्छी आपको बुक लगे उसको जो है आप डायरेक्टली अमेजोन में जो है बाय कर सकते हैं। मैंने अमेजोन के भी नीचे जो है लिंक दे दी है। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमारा आज का क्लोजिंग। क्लोजिंग अगर मैं बात करूँ 376 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट सपोर्ट की तो यहाँ पे 373 का डायरेक्ट सपोर्ट आता है। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन की तो 380 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन आता है। याद रखें यहाँ पे एस एच रेजिस्टेंस जोन जो है वो कुछ नहीं, यहाँ पे जो है एक साइकोलॉजिकल नंबर मैंने पकड़ के यहाँ पे 380 का जो है एक यहाँ पे मार्किंग किया है, क्योंकि आज के दिन जो है एक न्यू 52 वीक रेंज बना है। तो यहाँ पे हमें जो है मुश्किल हो जाती है रेजिस्टेंस जोन जो है वो ऊपर का यहाँ पे क्या बन सकता है उसको यहाँ पे जो है एक मार्क करने में, क्योंकि यहाँ पे जो है विदाउट एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे जो हम जो है मार्किंग करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आपको जो है जब यहाँ पे आपको डेटा ना हो तो आप जो है एक साइकोलॉजिकल नंबर जो है पकड़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे 380 का जो है हमें एक साइकोलॉजिकल नंबर दिख रहा है, ज़रूर जो है चार्ट वहाँ पे भी जो है एक डाउन साइड गया है तो इसकी वजह से भी हमने मार्क किया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर की भी तो यहाँ पे 400 जो है आपको सीधा एक जो है यहाँ पे अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर है, प्योर साइकोलॉजिकल नंबर आपको यहाँ पे देखने मिलता है। और यहाँ पे उससे 2 या 3 पॉइंट्स है जो है ज़रूर जो है आपको वहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जो है देखने मिल सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उसके ऊपर के रेजिस्टेंस जोन की 380 के बाद तो 400 का एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन आता है। मतलब इसको पार करके गया स्टॉक और 3 कंफर्मेशन कैंडल, याद रखें कंफर्मेशन कैंडल की हमने बहुत सारे जगह पे जो है बात की है। तो यहाँ पे अगर आपको 383 के ऊपर जो है 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में, तो वो स्टॉक जो है आपको 400 तक तो है मुझे ज़रूर जाते हुए देखने मिल सकता है। याद रखें 3 डिजिट का जो है यहाँ पे ये प्राइस है, 3 डिजिट का प्राइस है। मतलब जिस तरह से मूवमेंट होता है 5 मिनट या फिर 10 मिनट में आपको पता होगा कि यहाँ पे 1 to 2 का जो है आपको 1 to 2 पॉइंट का यहाँ पे जो है अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे जो है आपको उतना डिफरेंस जो है ज़रूर रखना चाहिए अपने रेजिस्टेंस जोन से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने बात किया 400 का, तो 400 का जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें जो है साइकोलॉजिकल नंबर से हमने एक लिया है। तो यहाँ पे आपको जो है 1 या 2 पॉइंट यहाँ पे जो है 2 पॉइंट ज़रूर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड के लिए हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो सेफ साइड के लिए हम जो है टारगेट थोड़ा सा और नीचे हमारा कर देते हैं। मतलब 400 का अगर हमारा जो है एक रेजिस्टेंस जोन है तो हमने 2 पॉइंट नीचे कर लिया, मतलब 398 का हमने जो अपना टारगेट यहाँ पे बना दिया। और नीचे की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर 373 के नीचे जो ये स्टॉक आपको जाते हुए देखने मिले तो 365 तक यहाँ पे स्टॉक आते हुए देखने मिल सकता है। अगर यहाँ पे जो है 373 के बाद आपको 3 रेड कैंडल देखने मिली 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में, याद रखें हम जो है यहाँ पे दोनों साइड का आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आज के क्लोजिंग के बेसिस पे जो है हमारा एक डिसीजन ज़रूर होगा जो मैं अभी थोड़े टाइम में आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोनों साइड का, मैं यहाँ पे क्यों बता रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है हम जो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है वो मार्क करते हैं उसी के बेसिस पे हम अपनी एंट्री लेते हैं। हमारा ओपिनियन कोई भी हो, अगर हमें है जो है हमारा चार्ट कह रहा है कि यहाँ पे इसने सपोर्ट जोन को जो अपने तोड़ा है तो हम जो है शॉर्ट इस स्टॉक को ज़रूर करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि इसने अपना एक रेजिस्टेंस जोन तोड़ा है तो यहाँ पे जो है हम अपना लॉन्ग जो है एक पोजीशन ले लेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको दोनों साइड का जो है यहाँ पे आपको बता देता हूँ और यहाँ पे अपना ओपिनियन क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो अगर हम मैंने जैसे कि यहाँ पे कहा 373 के नीचे के जाते हुए देखने मिला 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में रेड कैंडल 3 आए तो उसके बाद 365 में आपको जो है यहाँ पे इजी टारगेट मिल सकता है। और मुझे लग रहा है 365 से लेकर 373 के बीच में जो मुझे लग रहा है कल के दिन इस स्टॉक में जो थोड़ा सा यहाँ पे जो कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, टेंशन की बात नहीं है, छोटा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिलेगा तब भी यहाँ पे जो एक बड़ा जंप आएगा और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट दोबारा आपको देखने मिलेगा। इसकी वजह से कंसोलिडेशन भी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे जो नेसेसरी हो जाता है और यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर आएगा तो एक अच्छा मोमेंट आपको दोबारा यहाँ पे दे पाएगा। बाकी आपको क्या लग रहा है स्टॉक में कल के दिन आपको क्या देखने मिलने वाला है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना।
बाकी अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।